हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथी जी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम सीखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखिए, चैप्टर का नाम होता है डिफरेंशिएशन, बट हम इसमें क्या सीखते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं तो क्लास 12 से रिलेटेड हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12 का आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, IIT JEE एग्जाम, NDA, PGT या फिर कोई भी अदर डिफेंस एग्जाम आप ले सकते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट, सभी में आपको फंक्शन के डेरिवेटिव पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। और अगर हम इसको देखें तो ये आपके क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 में लिमिट के बाद दिया हुआ है, जो कि बेहद कम कर दिया हुआ है। तो उन स्टूडेंट से स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो क्लास 11th के हैं और जो मुझे देख रहे हैं, कि डेरिवेटिव को छोटा सा टॉपिक मत समझना, ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, तो आपको पूरा करना है। ठीक है, क्लास 11th में जो दिया हुआ है उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको पूरा कराऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी विश्वास के साथ आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव को। चलिए तो देखते हैं कि फंक्शन fx के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, यानी उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है और साथ ही फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो दोनों चीज़ें जानेंगे हम, और आपको ध्यान देना है किस पर, नोटेशन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नोटेशन को देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम फंक्शन fx ले लेते हैं जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना सीखना है। लेट y इज इक्वल टू fx बी ए फंक्शन है। ओके, y इज इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, अभी मुझे पर्टिकुलर नहीं पता है तो मैंने इन जनरल ले लिया। आप भी जानते हो फंक्शन को किस तरह से नोट किया जाता है, y इज इक्वल टू fx फॉर्म में। देन द डेरिवेटिव, तब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx इज डिनोट एंड फाइंड एज। जो हमारा y इज इक्वल टू fx फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है और कैसे फाइंड किया जाता है वो आप देखिए। देखो, हमारा क्या था, फंक्शन y इज इक्वल टू f(x), तो आपका जो नोटेशन होता है ओके वो होता है dy/dx। ठीक है, क्या करना है आपको, dy/dx ओके, जिस फंक्शन y का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है वो आपको यहां पर लिखना है और ऑपरेटर लगाना है d/dx। तो ये नोटेशन होता है किसका, फंक्शन के डेरिवेटिव का, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो d/dx एंड f(x)। ठीक है, ये जो x में लिखा हुआ होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, तो उन सभी बड़ी फॉर्म का एक छोटा हमने नोटेशन दे रखा है मैथमेटिक्स में y। तो जो भी x के जो फंक्शन होते हैं उन सभी का नोटेशन क्या होता है, y। तो हम y लेकर चलते हैं क्योंकि ये x में आपको बहुत बड़ा मिलेगा। अब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ही हुआ 3 डिग्री का, तो आप इतना बड़ा थोड़े ना लिखते चलोगे, तो इसलिए हम उसकी जगह पर y लिख देते हैं। तो ये मैंने फिर भी लिख दिया लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, अब ये फाइंड कैसे किया जाता है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक्चुअली में हम इसको यूज़ करते हैं। फाइंड कैसे किया जाता है, फाइंड बेहद सिंपल है। देखिए, लिमिट है, लिमिट एस टेंस टू जीरो f(x+h) माइनस f(x) अपॉन h। ओके, तो फंक्शन fx के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, dy/dx, और फाइंड कैसे किया जाता है, इस तरह से लिमिट h टेंस टू जीरो f(x+h) माइनस f(x) अपॉन h। मतलब आपको ये जो राइट साइड में लिमिट लिखी हुई है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो भी आपने लिमिट सॉल्व करने के तरीके फाइंड किए हैं या फिर सीखे हैं उनके द्वारा इस राइट हैंड साइड में लिखी हुई लिमिट को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ओके, तो ये सीधी सी लिमिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, x+h माइनस उस फंक्शन को लिखना है जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है अपॉन h। इसको सॉल्व कर लीजिए लिमिट को, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये इस नोटेशन के बारे में कुछ जान लीजिए, इसको पढ़ते कैसे हैं। ओके, डेरिवेटिव है लेकिन ये तो हमने जनरली बोल दिया, लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक अच्छे तरह से इसे कैसे पढ़ा जाता है, देखो ये जो मैंने dy/dx लिखा है इसे पढ़ते क्या है, dy/dx, या फिर हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ओके फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, अब देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं dy ओवर dx को, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर अब इस बात पर ध्यान दें विद रेस्पेक्ट टू जो मैंने लिखा हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो x के रेस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है उसे हम कहां पर लिखते हैं, ये यहां पर नीचे लिखा जाता है, ठीक है ये फिक्स है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है उसे कहां लिखते हैं हम, x। अब ये आपके आने वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर समय x ही हो, t भी हो सकता है, v भी हो सकता है, u भी, कुछ भी एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में बोला जाता है फंक्शन देकर कि इसके रेस्पेक्ट में फाइंड कीजिए, ओके तो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करवाएगा क्वेश्चन में डेरिवेटिव वो आपको यहां पर नीचे लिखना है, फिलहाल हम x लेकर चल रहे हैं तो हम x को यूज कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना, ओके तो जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसे लिखते हैं हम नीचे, और ऊपर क्या लिखते हैं जिसका फाइंड करते हैं यानी y का फाइंड करते हैं, ओके और मैं अगर इसको और शॉर्ट करूं तो नीचे वो वेरिएबल लिखा जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है फंक्शन में, तो आप भी जानते हो y बराबर एफ एक्स में x क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होता है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y या फिर एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, ओके तो ये नोटेशन इस तरह से फाइंड किया जाता है। इसका दूसरा और नाम होता है, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए dy ओवर dx को ही हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोला जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका दूसरा नाम क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ओके तो ध्यान रखना dy ओवर dx यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका दूसरा नाम क्या होता है dy ओवर dx का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो आपके अगर एग्जाम या कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है फंक्शन देकर कहा जाता है कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए तो उसका मीनिंग है डीवाई ओवर डीएक्स फाइंड करना है, मतलब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके तो ये फिलहाल हुई हमारी सारी बातें नोटेशन वगैरह को लेकर और कैसे फाइंड किया जाता है उसको लेकर, तो इसे आप नोट कर लें इस फॉर्मूले को। अब देखिए डेरिवेटिव में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसे हम अभी देखेंगे, और मैं आपको बताऊं ये तो जस्ट एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया लेकिन डेरिवेटिव कुछ अलग तरह से चलेगा, इसमें क्या होगा कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं और उन्हीं से आगे क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन से भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी नेक्स्ट टाइम में, ओके तो जब तक आप इन्हें नोट कर लें फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लिए हुए हैं जिनका डेरिवेटिव आपको याद रखना है, ओके तो डेरिवेटिव में ये होता है कि ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं इनका जो डेरिवेटिव होता है वो हमें डायरेक्ट याद रखना है, और जब क्वेश्चन में इनका डेरिवेटिव बनेगा तो आपको डायरेक्ट याद किया हुआ लिखना है ना कि उनका फाइंड कर देना है, ठीक है तो ये मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे हुए हैं जिनका डेरिवेटिव आपको लर्न करना है, तो इनमें पहला फंक्शन है एक्स की पावर एन का, यानी अगर आपसे x की पावर n का डेरिवेटिव पूछा जाता है तो वो क्या होता है डायरेक्ट n इंटू एक्स की पावर n माइनस एन, एन से मतलब यहाँ पर क्या है कोई रियल नंबर जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, x की पावर 3, x की पावर 1 अपॉन 2, इस तरह से x की पावर में कोई नंबर हो उसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, उस पावर को लिखोगे इंटू एक्स की पावर में एक कम कर दोगे, ठीक है तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये जो मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव ये आया कैसे, तो देखिए आया ये इस फॉर्मूले के द्वारा, यहाँ पर आप इसे पुट करिए तो इसके द्वारा डेरिवेटिव ये निकल कर आएगा, और जो भी डेरिवेटिव हम इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड करते हैं उसे ही बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है तो ये जो डेरिवेटिव मैंने लिखा हुआ है ये कैसे आया है इस फॉर्मूले के द्वारा, तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो भी डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करना। तो अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया कोई क्वेश्चन बनेगा जिसमें मान लीजिए एक्स स्क्वायर आया और आपसे डेरिवेटिव पूछा गया तो आपको इस फॉर्मूले के द्वारा नहीं निकाल कर देना है, आपको देना है इससे कंपेयर करके,
ठीक है। अभी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप इससे जान लीजिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है ई की पावर एक्स। ई क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल। अगर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाता है तो वो क्या होगा? डायरेक्ट ई की पावर एक्स ही होगा। ओके, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, यानी कि डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं ए की पावर एक्स। अगर कोई ऐसा फंक्शन है ए की पावर एक्स, एक्स आप समझते हो, लेकिन ए यहां पर क्या होगा? ए एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है साइड में ए ग्रेटर देन जीरो है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया गया, 3 की पावर एक्स का, 5 की पावर एक्स का, तो वो कौन सा केस बनेगा? ये वाला। यानी इन जनरल अगर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाता है तो वो होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, जहां पर ए क्या है? कोई पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, तो आप इसको यूज करोगे, ठीक है। चौथा है लॉग एक्स का। देखो ध्यान से देखना, लॉग दो तरह से चलेगा। अगर आपका बेस में ई है, ठीक है, बेस में स्टैंडर्ड बेस है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेस, यानी बेस ई है, और उस केस में आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी क्या होता है, तो वो होता है वन अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, देखो मैंने ये कर दिया है मार्क, इसको ध्यान रखना है कि बेस में क्या है। अगर ई है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स। अब देखिए एक इससे ही मिलता जुलता है डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5 में देखिए आप, यहां पर भी आप देख सकते हो लॉग एक्स है, लेकिन यहां पर एक चेंज है। यहां देखिए बेस ए है, ई बेस नहीं है। अगर बेस ई है तो वन अपॉन एक्स होगा, लेकिन बेस ई नहीं है लॉग में, और उस केस में अगर आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिखना है तो वो होगा वन अपॉन एक्स लॉग ए ई, ठीक है। देखिए वन अपॉन एक्स तो सेम है, लेकिन यहां पर ये ज्यादा है, लॉग ए लिखना है बेस में जो कि है वही, और ई लिखना है, ठीक है, लॉग ए ई। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑफ कोर्स आप जानते हो। छठा देखिए, छठा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको डायरेक्ट लिखना है कॉस एक्स, लेकिन ये आया कैसे? इस फॉर्मूले के द्वारा। इसमें आप पुट करिए और आपको ये कॉस एक्स मिलेगा, तो आपको ऐसे नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट लर्न करना है, याद रखना है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। फिर हम देखें तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब देखते हैं हम टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो फिर आप इंटीग्रल पढ़ोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रल, यानी अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप इंटीग्रल भी आसानी से सीख जाओगे। ऐसे ही आप इंटीग्रल को पढ़ोगे बिल्कुल डेरिवेटिव में, जैसे आप पढ़ रहे हो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनों का डेरिवेटिव, इसी तरह से इंटीग्रल में भी कुछ हम पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर आगे वो चैप्टर बढ़ता है, इसी तरह से ये बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं हम कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का देखिए डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या होता है, रिपीट करें, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सिंपल होते हैं, इन्हें 2 से 3 बार आप लर्न कर लें, एक कॉपी में लिख लें, 2 से 3 बार इनको देख लिया करें दिन में, तो आसानी से ये याद हो जाएंगे, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही याद हो जाते हैं प्रैक्टिस में आकर। तो sec x का क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ध्यान रखना cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये पूरा हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। लेकिन वही मैं कहूँगा, फाइंड कैसे किए गए, निकाले कैसे गए? इस फॉर्मूले के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करना। ओके, तो आप इन्हें नोट कर लें, और अब हम आगे देखते हैं कि और डेरिवेटिव में अब क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, उनके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो इन्हें आप नोट कर लें सभी फॉर्मूलों को। कुछ बेसिक क्वेश्चनों का डेरिवेटिव फाइंड करना हम सीखते हैं, और जो भी हमने अभी तक सीखा है, पढ़ा है, उसको हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के जरिए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि अभी आपको अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डेरिवेटिव, तो बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखना होगा, फिर आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल बेसिक,
आपको dy ओवर dx फाइंड करना है, इसका मीनिंग है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है गिवन फंक्शनों का। किसका आपको फाइंड करना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो dy ओवर dx लगाते हैं बराबर। अब देखिए, मैंने आपको पीछे रूल बताया था x की पावर n का डेरिवेटिव क्या बताया था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो उससे कंपेयर करिए, यहां पर n कितना है, 2। देखिए ये रहा n पावर में जो होता है वो है आपका n। तो इस पावर को आपको क्या करना है, आगे लिखना है, ठीक है, जो पावर में है उसे आगे लिखना है और फिर x की पावर में एक पावर कम कर देनी है, यानी 2 माइनस वन होगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 का मीनिंग 1 ही होता है। तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x। इस तरह से आपको उन स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव डायरेक्ट यूज करने होते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है log x का डेरिवेटिव, तो इसका तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था क्या होता है log x का डेरिवेटिव, 1/x। और देखिए एक बात ध्यान देना है, बेस में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर e है तो 1/x ही होगा। ओके, आपको डेरिवेटिव बनाना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में log x का, लेकिन बेस में देखना ध्यान से, 2 है जो कि e नहीं है। ओके, e नहीं है, तो इस केस में आपका dy ओवर dx अलग होगा जो कि कितना होगा, 1/x भी आएगा, लेकिन साथ में log, देखिए मैंने बताया था log ax का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x log ae। तो यहां पर a कितना है हमारा, 2 है, तो log 2e। ओके, बस ये हो गया इसका डेरिवेटिव, 2 की पावर x। तो इसका किसके द्वारा होगा, a की पावर x के द्वारा। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या बताया था, a की पावर x इंटू log a। तो यहां पर देख सकते हैं आप a कितना है हमारा, 2 है, तो इसका डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx कितना होगा, 2 की पावर x। ओके, और साथ में log 2, ठीक है, log a आता था ना, तो a कितना है हमारा यहां पर, 2, तो log 2। इस तरह से उन स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करके आपको डेरिवेटिव लिखने होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक थे, और जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पढ़ेंगे या फिर देख रहे होंगे तो वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपको फाइंड करना है। अब ये होगा कि दो फंक्शन को ऐड किया जाएगा, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा, तब उनका डेरिवेटिव पूछा जाएगा। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा क्वेश्चनों का वो इन्हीं पर आएगा, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लाई पर और डिवीजन पर। तो सीखते हैं पहले कि अगर दो फंक्शन ऐड हुए हैं और उनका डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है तो वो कैसे फाइंड करना है, वो एक एग्जाम्पल के जरिए फाइंड सीख लीजिए। वैसे ही सभी का फाइंड करना का कर देते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन ऐड हैं और इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो क्या नोटेशन होता है, dy ओवर dx लगाऊंगा मैं, ठीक है, dy ओवर dx लगाऊंगा, ये हमारा पूरा y है। ओके, कैसे करना है, देखिए डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होता है, जब दो फंक्शन ऐड हो तो आपको क्या करना है कि उन दोनों फंक्शनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो भी फंक्शन ऐड हुए हैं आपस में उनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए और सभी का डेरिवेटिव फिर ऐड कर दीजिए, वही उन फंक्शनों के एडिशन का डेरिवेटिव होगा। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की पावर 4 ऐड है किसमें, साइन एक्स में, मतलब ये दोनों आपस में ऐड है। तो आपको क्या करना है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव फाइंड करना है और साइन एक्स का, जो भी आएगा उनको आपस में ऐड कर देना। तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए एक्स की पावर एन से लगाइए तो पावर आएगी बाहर और एक पावर कम, एक्स की पावर में 4 माइनस 1 होगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो ये हमने एक्स की पावर 4 का फाइंड कर दिया। अब आपको किसका फाइंड करना है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स उसी जगह पर लिख दीजिए, ठीक है ना, जिसका फाइंड करोगे उसका उसी जगह डेरिवेटिव लिख देना है और बस इनको ऐड कर दीजिए। तो यही हमारे दो फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से तीन फंक्शन ऐड हुए हों, चार हुए हों, पांच हुए हों, इसी तरह से सभी का फाइंड कर देना और उन्हीं की जगह लिख देना और सभी को वापस ऐड कर देना, तो वही हमारा एडिशन का डेरिवेटिव हो जाता है। सब्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही होगा, सभी का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और उन्हीं की जगह लिख दीजिए और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x माइनस टेन एक्स का आपको डेरिवेटिव बताना है, तो e की पावर x का लिखिए, e की पावर x का e की पावर x,
फिर माइनस है तो माइनस साइन लगा दीजिए, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इतना सिंपल है ये, बस सभी फंक्शनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो भी उनके बीच में साइन है उसे आप लगा दीजिए, प्लस हो या फिर माइनस हो। तो ये हो गया प्लस और माइनस के लिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब इसी तरह से कोई भी आपको ऐड करके दिए जाएँ, सब्ट्रैक्ट करके दिए जाएँ, ऐसे ही फाइंड कर लेना, ठीक है, अलग अलग फाइंड करने और ऐड कर देना है, और अलग अलग फाइंड करने और सब्ट्रैक्ट करना है अगर आप सब्ट्रैक्शन का है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा एडिशन पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन पर। तो अब और दो हमारे जो साइन बचे वो बचे मल्टीप्लाई पर, कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिवीजन में हो। अब मैं आपको बताऊं इन दोनों में, देखिए डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं पर भी नहीं बनेगा, बट इनका यूज़ होता है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वो आपको दो फंक्शन की मल्टीप्लाई पर पूछा जाता है और दो फंक्शन की डिवीज़न पर, यहाँ अलग रूल होता है। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, डिवीज़न और मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, वो आपको मिल जाएगी, और बेहद मैंने बताया इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इनको अलग से दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको करिए और इसको सीखिए, और बाकी का मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट यहाँ सारा कुछ है, क्योंकि यही बेसिक है। अब बेसिक क्लियर होगा तभी तो आप आगे एडवांस कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, आपको इसी तरह से डेरिवेटिव के लेक्चर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।